ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಲ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜೂನ್ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಮಠಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾತೆ ಮಾದೇವಿಯವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪರಂಪರೆಯ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪರವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಮಠಾಧೀಶರು ಹೋರಾಟ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಣ್ಣ ಲಿಂಗತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣನವರೇನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಿಂದ ಬಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು ಬಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇ ये बीदर डिस्ट्रिक्ट का बसों कल्याण जो बसों कल्याण जो तालुका है बसों कल्याण का, का बसों कल्याण जो ट्वेल्थ सेंचुरी में बारह शतमान शतमान के जो ट्वेल्थ सेंचुरी के अन्ना बसवणा जो सामाजिक न्याय को लेकर जो स्ट्रगल किया था क्रांति किया था वचन क्रांति किया था वहाँ अनुभव अनुभव मंडप को स्थापित करके जो ऑल ओवर इंडिया के जितना भी जो भारतवर्ष के जो लोग थे भारतवर्ष के शरण शरण लोग थे उन लोगों को वो बुला के वहाँ अनुभव मंडप में कुछ चर्चा करने के लिए और जाति रहित समाज बनाने का महिला जो औरत लोगों को समान हक देने के लिए जो बात कर रहे थे आ जो इंटर कैश मैरिज के लिए जो ये कर रहे थे उस बसों अनुभव अनुभव मंडप वहाँ थे बारह बारह शताब्दी में वो अनुभव मंडप के बगल में वहाँ बसो कल्याण में एक पीर पाशाह दरगाह बोल के वहाँ एक दरगाह है और कुछ लोग अभी दर्गा। ये अफवाह फैल रहे हैं कि पाशा दरगाह ये दरगाह नहीं है ये ओरिजिनल अनुभव मंडप है वो ओरिजिनल अनुभव मंडप को ये लोग ने मुसलमानों ने वो दरगाह बना के रख दिया तो वो दरगाह लेने के लिए हमने तो ये नेक्स्ट जो इस मंथ जो 12 तारीख को सब जो हमारे स्वामी लोग, लोगों के साधु संत लोगों को लेकर हम अब स्ट्रगल शुरू करने वाला बोल के और एक यहाँ की जो ओ, हमारे गुलबर्ग का ये सिद्धलिंग स्वामी उसने एक स्टेटमेंट दिया और मैंने अभी अभी देखा हूँ हम आणंद से आ रहे थे आणंद एक प्रोग्राम में गए थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती प्रोग्राम ख़त्म होते हम आ रहे थे बीच रास्ते में हमारे फ्रेंड्स हमें बोला कि ये सिद्धलिंग स्वामी जी का स्टेटमेंट ऐसा है बोल के वो स्टेटमेंट आज प्रजावाणी पेपर में ये हमारे ये बसुलिंग पट्टदेवर जो अनुभव मंडप की प्रेसिडेंट है बसव कल्याण का ये बहुत बड़ा बहुत बुद्धिमान स्वामी जी है और शरण के विचारधारा में जो शरण विचारधारा में चलने वाला एक एक साधु संत है उसने वो बसुलिंग पट्टदेवर स्वामी जी ने स्टेटमेंट उसने दिया कि जो पीरपाचा दरगाह जो है वहाँ पीर पाचा दरगाह वो तो पीर पास जो दरगाह हो वहाँ अनुभव मंटप कोई एविडेंस नहीं है कुछ लोग जो जो अफवाह फैला रहे वो झूठ है ये तो वहाँ अनुभव मंटप था या नहीं थे तो ये ये देखने के लिए हिस्टोरियन आना चाहिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले आना चाहिए उनको मालूम होते जो बाकी किसी को मालूम नहीं होता ये गलत ये अफवाह फैला रहे लोग ये ठीक नहीं है और उसने स्टेटमेंट दिया और एक रिटायर्ड आई एस ऑफिसर ये हिंदू रिटायर्ड आई एस ऑफिसर जामदार साहब बोल के लिंगायत के, के बुद्धिमान एक ऑफिसर ऑफिसर रिटायर्ड है उसने भी बोला कि पीर पाषादरगा एंड ये बसो कल्याण का जो अनुभव मंड उसको कुछ लिंक संबंध नहीं है और ये ये उसने बोलते और हमारे बसुलिंग पट्टदेव ने यह भी बोला कि बसवा किसवा बस्वार, के वचन और उनका जो शरण संत लोग थे शरण लोग शरण लोग थे उनका किसी में किसी के वचन में ये पीर पाशा दरगाह ही ओ, हमारा ये बसो अनुभव मंडप थे बोल के कहीं उल्लेख नहीं बोल के हिस्ट्री बोल बोल के दिया है और अभी ये बोल बोल रहा है कि ये जो बसुल वसुलिंग ये मुसलमान मुस्लिम एंड जो लिंग तो दोनों भाई भाई जैसा है बोल के दोनों भाई भाई, भाई बोल के ये बोल दिया तो ये ये स्वामी पूजता आंदोलन के स्वामी पूछता और ये वो मुसलमान और ये लिंगायत कैसे भाव्य हो जाता बसवर्णा मुस्लिम धर्म से लिंगायत धर्म से पैदा किया या और या ब्राह्मण धर्म से ये अपना लिंगायत धर्म पैदा किया स्थापित किया ये स्वामी जी क्लैरिफिकेशन देना कि जो बोल रहे आप ये ठीक नहीं बोल रहे ये अच्छा नहीं है और वो बोलता है कि ये माते महादेवी जो उनका परम्परा के स्वामी है और सिंगल रोड बोलता कि माते महादेवी के परंपरा के स्वामी एक स्वामी बोल के बसवलिंग पट्टदेवरू ऑल ओवर कर्नाटक में उनको जानते हैं सब लोग जानते हैं उनको उनका असली उनका बसवलिंग पट्टदेव उनका ताकत क्या है उनका बुद्धिमान क्या है ये सब सब जानते हैं ये इतना होने के बाद भी ये पूछता है स्वामी पूछता है कि ये एक, एक उन्होंने बोल देता सिंगल वर्ड बात कर देता और ये कर देता है कि मुसलमान बहुत सारे जानवर काट के खाते हैं हाँ एक ऐसा बसवानक बसवानक बसवा के अनुयायी बन सकता और बसवाद की विचारधारा अलग है और इनका विचारधारा अलग अलग है मैं ही पूछता हूँ अभी स्वामी को ये हमारे हिंदू धर्म जो बोल रहे तुम इसमें बहुत सारे लोग हैं हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे प्राणी पशुओं को खाते इधर मार के खाते इधर मालूम है उनको स्वामी को और ये स्वामी तेरा स्वामी जो है काली काली स्वामी बोल के मंगलूर मंगलूर को दक्षिण कन्नड़ को स्वामी बोलता को मैंने मुर्गी काट कर दे दूंगा मैंने मटन काट कर, कर देगा हिंदू समाज के लोग हम खुद काट कर तुम सप्लाई करेंगे बोल देते दे थे दे। ये भूल गए तुम यही लास्ट मंथ की बात है यही सिद्धलिंग स्वामी जी का संतान लोग थे ये लोग यही सिद्धि शिवलिंग स्वामी गुंडा गुंडा स्वामी लोग थे यही सिद्वलिंग स्वामी जी का आतंकवादी हिंदू संगठन के लोग थे ये लोग भूल गए ये अभी तुम ही बोले थे ना हम तुम तुम तो हिंदू लोग मुसलमानों के पास मटन नहीं खाना हम सप्लाई करेंगे बोल के कौन खाते बोल के तुम ये कर रहे थे अब बोलते बसोलिंग पट्टदेवर को ये मुसलमान है बहुत सारे जानवर खाते वो लोग वो कैसा बसवा करो बसो ने क्या बोला था बसो ने क्या क्या बोले थे इवन आ रहा इवन आ रहा अन्न दे यूरिया ये ये कौन हो ये कौन ये कौन ऐसा नहीं मत बोलो ये मेरा है हमारा है ये हमारा सब हमारे लोग है बोल के समझ लोग बोलकर बसो बोले तुम क्या कर रहे अभी वो हमारा नहीं है ये हमारा नहीं है वो ऊंच जात के ये नीच जात तुम डिस्पैरिट कर रहे ये जो स्वामी डिस्पैरिट कर समाज में आग लगा के छोड़ दे तुम लोगों ने अरे हिंदू धर्म के लोग तुम हिंदू को हिंदू नहीं मानते तुम लोग हिंदू को हिंदू नहीं मानते और ये स्वामी जी वसुलिंग और महात्मा जो, जो बुण, 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 बढ़िया सोच वाले लिंगायत तंड मुस्लिम हम सब एक ही बोल के बोल दिया भाई भाई जैसे हम रहते एक एक ना, एक ना रुपया का एक दो पहल दो पहलू एक बोले तुमने उसको कैसा बोला तुमने तो डरने की कोशिश करते तुम लोग डरने की कोशिश करते तुम लोग ये किसी का डिक्टेटरशिप नहीं है इस इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है प्रजा प्रभुत्व सिटीजनशिप चलते प्रजा प्रभु बाबा साहबेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ये तुम्हारा गुंडा करते बहुत दिन चलने वाला नहीं अभी और ये स्वामी के ऊपर ग्यारह केसेस है मेरे पास मैंने अभी आर टी आई इन्फॉर्मेशन मैंने इनके ऊपर लिया और तुरंत इनको अरेस्ट करना चाहिए आईजीपी गुलबर्गा हम कल कल दोपहर बारह बजे के बाद बारह बजे को हम आईजीपी गुलबर्ग के बाद जा रहे हैं ये स्वामी के खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए दूसरा काम नहीं इनको काम नहीं है लोग, लोग, लोग जो एजुकेटेड मास उनको जॉब नहीं मिल रहा है जो काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा है और गांव में गरीब गरीब लोग मर रहे हैं और इतना प्राइस हाइक हो गया उसको पूछने वाले कोई नहीं है गांव में स्कूल नहीं है बच्चों लोगों को टीचर्स नहीं है हाँ बिल, स्कूल बिल्डिंग नहीं है अंगनवाड़ी प्रॉपरली फूड सप्लाई नहीं हो रहा है ये मालूम नहीं होता स्वामी जी को मंदिर मस्जिद ये ये छोड़ कर ये ये आतंकवादी ये लोग आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये हम कंडम करते हैं उनको हम खंडन करते इनको ये बोलते थे कि स्वामी जी कैसे बसोलिंग पढ़ते स्वामी जी कैसा ये हमें जो मुस्लिम लिंगायत तो कौन था तो पूछने वाला तू तो लिंगत नहीं है ये ये निनगा बसो का संबंध है, है। तू तो पूछने वाला तू कौन हो तो पूछने वाला हमारा क्वेश्चन ये है तुम माफी मांगना चाहिए आंदोलन स्वामी भाई

जो बसवादी क्षेत्र जो लिख कर रखे थे वचन साहित्य वचन साहित्य को ध्वंस कौन कौन किया इधर वचन साहित्य को बर्बाद कौन किया, किया? जला कर कर तुम ही लोग तुम्हें राख करके छोड़ दिया तुम लोगों ने क्या हमें मालूम नहीं तुम लोग क्या कर रहे रहे बोले के ये ये तुम और तुमने ये बोल धमकी देने की जो बात कर रहे हैं स्वामी जी ये ठीक नहीं है तुम घड़ी घड़ी मुसलमानों को लेकर जो गुंडागर्दी करने को कोशिश कर रहे हैं ये ठीक नहीं है ये सब लोग जाग गए अभी तेरे को अकल आना चाहिए बार नौ तारीख को तो जब तूने ये मेहबाज मस्जिद गुलबर्गा जो कर्नाटक गुलबर्गा मेहबाज मस्जिद के सामने कि चालीस पढ़ा पढ़ाएंगे हजारों लोग आते बोले थे तो कोई लिंगायत लोग तेरे को सपोर्ट में नहीं आए कोई हिंदू जो बैकवर्ड कास्ट का के लोग कोई सपोर्ट नहीं किए तेरे को तू अकेला पड़ गए और कोई नहीं आए थे तेरे साथ वही दलित बच्चों को लेकर आए थे बच्चों को लेकर ले पैसा देके स्वामी जी याद रखो तुम और कोई तेरे ते 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 तो बात नहीं किए थे तो मैं बा, मैं बस मस्जिद जाके हम डबल स्पीकर लगाएंगे ये करेंगे वो करेंगे कुछ नहीं कर सके तू और अभी फिर नाटक कर रहे तो याद रखो शिदलिंग स्वामी और कई प्रमोद मुतल है तो ये जो फाउंडर पर्सन श्री राम सेना श्री रामचंद्र रामचंद्र यही सिखाया तुम लोगों को राम सेना की अलग अलग विचारधारा है बसवेश्वर बस शरण की विचारधारा अलग है तुम राम सेना के जो नाम नाम गुंडागर्दी कर तुम वही करते रहो जब 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 तक कब तक चलेगा तुम्हारा गुंडागर्दी ये बीजेपी सरकार है कर्नाटक में तब तक चलेगा तुम्हारा एक साल तक और एक साल तक करो गुंडागर्दी कर, गुंडा कर, मुताज करो लेकिन बसवाधि चरण विचारधारा बंद बंदरी अंदर सब दम हिम दम जो हम है हम दलित लोग है हम चुप नहीं बैठेंगे अल्लाह कर याद रखो तुम राम के नाम से राम का नाम जो राम का अच्छा जो अच्च, बढ़िया जो सोच है वो प्रचार करने के लिए कोशिश करो गुंडागर्दी करना करने के लिए कोशिश करना या समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम तैयार बारह तारीख को याद रखो लिख के रख दे आठ तारीख को तेरे बच्चे लोग नौ तारीख को दलित चेन दलित चेन लोगों को हम दिखाएंगे हम क्या है हमारी ताकत क्या है घंटा -का क्या दिखाया तुमने कुछ नहीं कुत्ते जैसे चार सा, चार सात आठ बच्चे लोग लेकर आए थे तो हनुमान चालीस कुछ नॉलेज नहीं थे ऐसे कुत्ते लोगों को लेकर आके तू नाटक करने गरीब बच्चों को जो ये कर रहे सब बच्चे लोग तेरे से दूर हो रहे स्वामी जी वर्ग मकुल गरीब आगे सब बच्चे तेरे से दूर हो रहे बैकवर्ड कास्ट के बच्चे लोग तेरे से दूर हो रहे ये स्वामी जी हमें यूज कर रहे हैं बोल के उससे तेरे से सब दूर हो रहे मैं अपील करता हूं सब हिंदू हिंदू समाज के स्वामी लोगों को प्लीज ಸಬ್ಲೋಗ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮ ಸೊ ಭಗವಾ ದೂರ ರೀ ಹ್ಮ್ ಆಧರ್ತೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಶರಣರು ಸೂಪಿಶಾನಿಗಡ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಇಂತ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಏನ ಬಸವನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರಾಣಿರು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ खुद तुम मटन चिकन भेजने के तैयार होता मालूम स्वामी को हम दलित मैक्सीम दलित खा देते ये गुलबर्ग के लोग बहुत बुद्धिमान अंत अद स्वामी इवन यारपोर्ट मेड्री इवन जो यारून ये जो, निला, ये, जो ये जो बारा तारीख आ रे ये ये जो बसव कल्याण आता या गुलबरग ये, ये प्रोसेसन करता जो जिस जग पर प्रोसेसन शुरू करता उसी जग पर हमने अल अदे जगह मैसेज कैरी मोड़ ये जो स्वामी जिस जगह से जो प्रोसेसन शुरू करता या धरना करता उसी जगह से दलित से नहीं स्वामी के खिलाफ हम आएंगे तेरे पीछे और तेरे के अगर दम है तो हमसे लड़ो ये भी मैं हम कह रहा हूं और लिंगेद के साथ हम है मुस्लिम के साथ लिंगत है और स्वामी फिर भी तू अकेला बन गए अकेले पड़ गए मालूम है ना तेरे को हमने बोले थे खूब अकेले पड़े बोल के और अभी मान ये ये अब जो बसुलिंग पट्टदेवर ते तू जो तो सोच सोच रहे ऐसा नहीं है तेरे तेरे से हजारों बट मान बुद्धिमान स्वामी जो है, स्वामी जो और सीनियर है उनको तो सिंगल वर्ड है माते महादेवी के एक स्वामी ने बोलते तू इतना भी अक्ल नहीं तू कैसे रिस्पेक्ट देना बसवी हंसी लड़का योग्य नहीं दीदी और इनको लेवन केसेस बाकी है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन अदर अदर केसेस पुलिस स्टेशन में इमीडिएट इनको अरेस्ट करना बारह तारीख तक नहीं छोड़ना इसको तुम छोड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे इनको यस yes, हम नहीं छोड़ेंगे इनको कल स्वामी तेरे खिलाफ आईजीपी गुलबर्गा को कंप्लेट देने जा रहे हैं हम बारह तारीख को तू तेरे पटालम के साथ तेरे टीम के साथ तू आ जाओ हम बाबा सांबरकर के लोग हैं मैं फिर बोल देता हूँ नीली पड़े तेरे पीछे पड़ा है अभी जो हम नीली पड़े बाबा सांबरकर टीम जो है ये बाबा सांबरकर टीम ऐसा ये स्टाइल से हम आ जाते तू तेरा भगवा आतंकी को लेकर तू आ जाओ जय भीम जय भीम जय भारत जय टिपू